खत्री डेंटल केयर दांतों का अस्पताल, डॉक्टर अरुण खत्री, डॉक्टर नीलिमा बर्डे खत्री। स्थान परिवर्तन, क्लिनिक अब नए पते पर पहुंच गया है। समय सुबह 9 बजे से रात्रि 8 बजे तक। हमारा नया पता, खत्री डेंटल केयर, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के बाजू से, राय चौराहा, दमोह। दमोह जिले का मान पूरे देश में बढ़ाने वाले बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी, दमोह के गुरु नाम से विख्यात चंद्रकांत सोनवलकर की स्मृति में आयोजित 38वें समारोह का भव्य आयोजन दमोह के मानस भवन में किया गया। कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल, दमोह विधायक अजय टंडन, वरिष्ठ साहित्यकार नरेंद्र दुबे और भोज मुक्त विश्वविद्यालय के कुलपति जयंत सोनवलकर अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस मौके पर मंत्री पटेल सहित अतिथियों ने समाज के विभिन्न क्षेत्रों में अतुलनीय योगदान देने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता विपिन टंडन, चंदू गुरु के साथी तांति सेठ और संगीत के क्षेत्र में 2 दशकों से सेवाएं दे रही टीम दमोह आइडल को सम्मानित किया। प्रख्यात गजल गायक प्रदीप नितिन अग्रवाल की गजलों से सराबोर हुए आयोजन के बाद मंत्री पटेल ने कहा कि एक व्यक्ति अपने क्षेत्र में काम करता है, लेकिन एक ही व्यक्ति जब समाज के विभिन्न क्षेत्रों में दखल रखे और कम आयु में विदा ले, ये काम कोई तपस्वी ही कर सकता है और चंदू गुरु ऐसी ही शख्सियत थे। रामगढ़ में हमारे दमोह निर्माणों को संरक्षित करने में और बेहतरीन में सामाजिक गतिविधियों को संचालित करने में श्री चंदन जी के कोई से बहुत संबंध थे। रोड अगर क्रॉस कर दे तो उनके घर में पहुंच जाए और अगर पढ़ने के लिए शिवाजी स्कूल जाए तो राम मंदिर होते हुए जाए। कहने का मतलब था कि वह घेरा हम लोग आज तक नहीं छोड़ पाए और वह संबंध उनके परिवार से हमारा आज भी जुड़ा हुआ। हमने इन आंखों से और इन कानों से वकालत के पेशे से, वकालत के शिक्षक थे वो बात अलग है, जिस स्मृति में आज हो रहा है गजल की स्मृति, उनकी स्मृति में जो गजल का आज कार्यक्रम हो रहा है, मैंने इन आंखों से और इन कानों से उनको देखा है और उनकी तबली की थाप को सुना है। मैं 8 वर्षों से यहाँ पर हूँ, लेकिन चंदू गुरु के व्यक्तित्व के बारे में जितने विस्तार से आज मुझे जानकारी मिली और मैं इस कार्यक्रम में आया, मैं अपना सौभाग्य समझता हूँ। एक व्यक्ति सामाजिक कार्यकर्ता हो सकता है, राजनीतिक कार्यकर्ता हो सकता है, संगीतकार हो सकता है, अधिवक्ता हो सकता है, कवि हो सकता है, कितने आयाम एक व्यक्ति के भीतर हो सकते हैं और इतने कम आयु में भी वो सब कुछ करके और पूरे भरोसे के साथ, संतुष्टि के साथ जाए और बच्चों में वो संस्कार देकर जाए कि बच्चे भी उसी रास्ते पर चले, मुझे लगता है ये कोई तपस्वी ही हो सकता है, ऐसा मेरा मानना है। उनके चरणों में नमन करता हूँ।